नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर बलिया जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदीशपुर स्थित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी आवासीय कार्यालय की है, जहां अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की 40वीं स्थापना दिवस 15 सितंबर 2024 को दोपहर 2 बजे मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला महिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने समस्त जनपद की बहनों से अनुरोध किया है कि वे 15 सितंबर को उनके आवासीय कार्यालय पर सदस्यता अभियान की शुरुआत में शामिल हों। जिला महिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने कहा कि यह अभियान महिला सशक्तिकरण और कांग्रेस कमेटी की सदस्यता बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। उन्होंने सभी बहनों से अनुरोध किया कि वे इस अभियान को अपनी उपस्थिति में सफल बनाने का प्रयास करें। अनुपमा सिंह ने कहा कि महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ हैं और उनकी भागीदारी के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राजनीति में आगे बढ़ाना है। इस अवसर पर पत्रकार भाइयों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करके समाचार बनाएं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की 40वीं स्थापना दिवस को सफल बनाने में अपना योगदान दें। मौके पर मुख्य रूप से महिला जिला उपाध्यक्ष रश्मि सिंह तथा जिला महासचिव शशि सिंह जी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए महिला जिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनकी जुबानी। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। जी एक आप अपना परिचय। मैं अनुपमा सिंह, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बलिया। जी अनुपमा जी, कल कौन सा कार्यक्रम होने वाला है और उस कार्यक्रम का लेखा जोखा क्या होगा, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा? संजय जी, कल जो है हमारी महिला कांग्रेस का 40वां स्थापना दिवस है जी। और इस अवसर पे हमारे कांग्रेस महिला के अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का जो है वेबसाइट भी शुरू होने जा रहा है और ऑनलाइन महिलाओं की सदस्यता ग्रहण हम लोग कराने जा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कल दिनांक 15/2024 से शुरुआत है। समय क्या होगा? समय दोपहर 2 बजे। तो क्या इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर महिलाएं काफ़ी संख्या में एकत्रित होंगी? जी हाँ, ऑफकोर्स बहुत सी महिलाएं हमारी बहुत उत्सुक भी हैं, ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण करने के लिए उत्सुक हैं। और अब तो कल आप देख ही लेंगे, आपको भी आना ही है कि कितनी संख्या में हमारी महिलाएं यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा रही हैं। क्या क्या नियम होंगे और किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएंगे महिलाओं के लिए? देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा मैम हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव महिला हैं। महिलाओं के लिए इनके मन में बहुत ही उदार विचार है। वो चाह रही हैं कि हमारी महिलाएं आज भी भारतीय समाज में दबी कुचली हैं, तो इनको सबसे नीचे के स्तर से, जो सबसे नीचे में हमारी महिलाएं, जिनको कि कोई आधार नहीं है जिनके पास कुछ करने का, अशिक्षा से भी ग्रसित हैं और आर्थिक अभाव में भी रह रही हैं, उनके बारे में उनका सबसे पहला दृष्टिकोण है कि हम उनके लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करें। जो कि ये कल से जो है हमारा कार्यक्रम, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोग कार्यक्रम तरह तरह के आयोजित करेंगे। अंतिम प्रश्न, महिलाएं अक्सर पीड़ित देखी जाती हैं विभिन्न प्रकार से, जैसे घरेलू आतंक से, पारिवारिक कलह से, या कर्ज में डूबी हुई महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं, वो चक्कर काटती रह जाती हैं मगर उन्हें न्याय नहीं मिलता। तो क्या आपके माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से ऐसे पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सा कदम उठेगा और कौन सी कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में आना, मैं अपने आप को पर्सनली यहाँ पे थोड़ा सा बोलूँगी कि मेरा उद्देश्य ही यही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित किसी भी घटना दुर्घटना से महिलाएं ही होती हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, या कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसमें महिलाएं जो है ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सारा दोष महिलाओं पे मरने में लोग देर नहीं लगाते।
और जबकि मैं समझती हूँ कि महिलाओं में इतनी क्षमता है, चाहे वो गरीब महिला हो, अनपढ़ महिला हो, पढ़ी लिखी हो, इतनी क्षमता है कि अगर उन्हें थोड़ा सा साहस दिया जाए, उन्हें थोड़ा समर्थन दिया जाए तो वो हर कार्य कर सकती हैं। और मेरा तो खासतौर से उद्देश्य यही है राजनीति में आने का, कि उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखे, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखना कि महिलाओं की खासतौर से कि हम कैसे उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे उन्हें हम कोई भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। और मैं हमेशा अपने क्षेत्र में यही कहूँगी आगे कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े, जिस भी तरीके के सहयोग की ज़रूरत पड़े, आप मुझे याद करें और मैं आपके बताएं। कल के कार्यक्रम में मैं विशेष तौर से पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूँगी कि उनका सादर आमंत्रण है, वो कल आए हमारे आवासीय कार्यालय पे और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत, नमस्कार।